अगर कोई मुझसे ये पूछे चैप्टर नंबर 4 के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोलेनोइड और टोरॉइड, साथ में उसके न्यूमेरिकल्स बचने नहीं चाहिए किसी भी हाल में। तो ये सारे न्यूमेरिकल लगाओ, क्योंकि आपको जब पीएफपी और एग्जांपल सारे सॉल्व मैं करा रहा हूँ तो आपको किस चीज़ की दिक्कत है, प्लेलिस्ट ऑन करो, प्लेलिस्ट के अंदर सारे क्वेश्चन है और लगाते चले जाओ भैया ऐसा दरोड़ा सामने रख के। तो ये देखो पीएफपी नंबर 2 है, हमसे कह रहा है अलोंग सोलेनोइड इज मेड बाई क्लोजली वाइंडिंग्स अ वायर ऑफ रेडियस 0.5 mm, ये इतनी थिकनेस है 0.5 mm, थिकनेस मत कहो, ये रेडियस ऑफ द वायर है, मतलब एक मोटा वायर है उसको आपने कुछ इस तरह से लपेट करके एक सोलेनोइड बनाई है, ध्यान देना मेरी बात को, ठीक है। आपसे कह रहा ओवर अ सिलेंड्रिकल नॉन मैग्नेटिक फ्रेम सो दैट द सक्सेसिव टर्न्स नियरली टच ईच अदर, यहाँ तक बात बना लेते हैं। देखो आपको यहाँ पर लिखना है सॉल्यूशन, क्वेश्चन को समझना है, एकदम आंसर आ जाएगा। आपके पता है कि आपको एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड बताना, क्योंकि आपसे कह रखा है व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड इफ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोस थ्रू इट। अगर आपको पता है सोलेनोइड के अंदर से 5 एम्पियर करंट पास हो रही है तो इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, और आपको ये भी पता है कि सोलेनोइड के एक्सिस पर ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जब आपको एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो फॉर्मूला क्या होता है, आपको बताया B=μ0nI, ये होता है फॉर्मूला ऑन द एक्सिस ऑफ अ सोलेनोइड, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहाँ पर स्मॉल n क्या बताता, स्मॉल n बताता नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ में, कि कितने पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न है। अगर मैं एक टर्न को ले लूं, अगर मैं एक टर्न की बात करूं, देखो ध्यान सुनना मेरी बात को, अगर मैं एक टर्न की बात करूं तो मैं पर यूनिट लेंथ एक टर्न की तो लूंगा, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ बात करूंगा, क्योंकि ये बस हल्का सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर मैं स्मॉल एन की बात करूंगा नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो मैं देखो कैसे निकालूंगा, मैं देखूंगा कि पर यूनिट लेंथ, अगर मैं एक टर्न को ले रहा हूं तो एक टर्न को लूंगा, तो जाहिर सी बात है मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि उस एक टर्न ने कितनी लेंथ कवर की है, ये तो देखना पड़ेगा, उससे आप पता लगा सकते हो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, बिल्कुल। अब एक टर्न ने कितनी डिस्टेंस ली है तो वो तो उसका एक तरह से थिकनेस कहलाएगी, भाई वायर जितना मोटा है उतनी वो डिस्टेंस कवर करेगा एक टर्न, जाहिर सी बात है जब एक टर्न लपेटोगे तो जितना मोटा वायर होगा उतनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो मैं ये कहूँगा कि इस पर्टिकुलर डिस्टेंस में वायर के कितने टर्न है, आप कहोगे एक, तो ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ निकल कर आ गया। तो लेंथ का मतलब क्या है, एक तरह से वो डिस्टेंस जो वायर ने कवर की है, तो वायर की जो डिस्टेंस होगी वो वायर की मोटाई होगी, और मोटाई बोलते हैं डायमीटर को। बस अगर जिसके ये समझ में आ गया उसके न्यूमेरिकल में कुछ नहीं रहा, आप मोटाई को निकालने के लिए डायमीटर निकालोगे तो लिखोगे डायमीटर ऑफ वायर, वायर का डायमीटर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 × रेडियस। अब 2 ऐसे रहेगा, रेडियस कितना है 0.5 mm, 0.5 का जब डबल करोगे तो ये हो जाएगा 1 mm, mm को ख़त्म करोगे 10^-3 मीटर में आ जाएगा। तो ये डायमीटर ऑफ द वायर है, ठीक है। अब देखो बड़े प्यार से आप कहोगे स्मॉल n, सिंस स्मॉल n क्या होगा नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो आप पर यूनिट लेंथ एक एक लूप की बात करो, एक टर्न की बात करो, तो एक टर्न नंबर ऑफ टर्न तो एक आ गए। अब एक टर्न कितनी लेंथ कवर कर रहा है वो डायमीटर का काम करेगा, क्लियर है मेरी बात। तो ये 1 ऐसे रहेगा और डायमीटर निकल गया 10^-3, ऊपर जाएगा हो जाएगा 10^+3, तो ये नंबर ऑफ टर्न ये आ जाएगा पर मीटर में, क्लियर है। अब आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ऑन द एक्सिस ऑफ अ सोलेनोइड, ये होता है μ0nI, μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10^-7, स्मॉल एन आपने निकाल रखा 10^3, और करंट कितना दौड़ रहा है जल्दी से बताओ 5 एम्पियर का, 5 × 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 5×20π, और ये बचेगा 10^-4, इसको सही करके लिखोगे तो ये आ जाएगा 2π × 10^-3, मैग्नेटिक फील्ड है यूनिट था टेस्ला। बस इतना सा न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल समझने में बहुत इंपॉर्टेंट था, समझना आना चाहिए कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट जिसकी ये समझ में पल्ले आ गया, जिसकी पल्ले पड़ गया अच्छे से, तो उसका सब कुछ हो जाएगा, अदरवाइज़ आप कन्फ्यूज़ रहोगे इस न्यूमेरिकल के अंदर। थैंक यू सो मच, सोचने की शक्ति को बढ़ाओ।